हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राइज एंड शाइन स्टाइल्स। गाइज, आज थोड़ी वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ईजी एंड सिंपल ट्रिक होगी। एंड कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे, उन सब की बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने टीनेजर्स और जिनको खाना बनाना नहीं आता है उनको ध्यान में रख के बहुत ईजी एंड सिंपल स्टेप्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कप यहाँ पर मूंग दाल ले ली है बिना छिलके वाली, तो उसको मैं बड़े से बर्तन में यहाँ डाल लूँगी अच्छे से यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, इसको बड़े से बर्तन में डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी पानी से, ताकि मैं इसको थोड़ा वॉश कर सकूँ अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है, यहाँ पर मैंने अभी पानी बहुत थोड़ा डाला है। सो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैं ये जो पानी है इसको निकाल दूँगी पूरा, ये जो निकल के आया है इसको सारा मैं फेंक दूँगी इस पानी को अच्छे से। फिर देन मैं इसको 4 to 5 hours के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पर मैं। 4 to 5 hours ही काफ़ी है, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 4 to 5 भी इनफ है। तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है, पानी आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि वो दाल अच्छे से डूब जानी चाहिए। तो देन मैं इसको अच्छे से कवर करके 4 to 5 hours के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं इसको। सो गाइज, 4 to 5 hours बाद दाल कुछ इस तरह से दिखेगी। ये दाल जो है फूल के रेडी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि दाल कैसी फूली हुई होनी चाहिए, तो आप इसके जो दाने हैं उनको ब्रेक करके देख सकते हैं। अगर वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, ईजिली टूट जाते हैं, तो दैट मीन्स वो जो दाल है वो अच्छे से यहाँ पर फूल चुकी है। तो मैं दाल को एक बार और यहाँ पर धो लूँगी एंड इस पानी को फेंक दूँगी। देन मैं इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के यहाँ पर अच्छे से इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। पेस्ट बनाते टाइम भी ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहना चाहिए पेस्ट। तो मेरा पेस्ट यहाँ पर रेडी है। देन मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर ली है एंड कढ़ाई रख दी है यहाँ पर। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। देन थोड़ी सी हीट अप होने के बाद में ही मैं इसमें कुछ डालूँगी यहाँ पर। देन यहाँ पर मैंने ये बेसन लिया है, ये मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पर। मैं जो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी, यहाँ पर मैंने 1 कप घी डाला था एंड घी में ही इस बेसन को मैं अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से यहाँ पर भून लेना है आपको इस बेसन को, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा भूनने में। ध्यान रहे भूनते टाइम भी आप जो फ्लेम है वो थोड़ी मीडियम ही रखना, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, आपको मीडियम ही रखनी है यहाँ पर। एंड देन मैं इसकी अच्छे से यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी तैयार कर लूँगी यहाँ पर। देन आप देख सकते हो अभी तो यहाँ पर बेसन कच्चा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी कलर चेंज नहीं हुआ है बेसन का। यहाँ पर जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाएगा, देन आप समझ जाना कि ये जो बेसन है वो भुन चुका है ऑलमोस्ट। सो इसका जो कलर है वो चेंज होने लग गया है। देन मैं यहाँ पर मूंग दाल का जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसको इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पर एंड दोनों को बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूंगी। ध्यान रहे आपको मीडियम फ्लेम ही रखनी है यहाँ पर, वरना ये जल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर ध्यान रहे आपको मिक्स करते टाइम गांठे ना पड़े, तो उसको अच्छे से आपको चलाना होगा। एंड मूंग दाल के हलवे में बेस्ट चीज़ ये है कि आपको बार बार उसको चलाना ही पड़ेगा वहाँ पर, ताकि वो भुन सके अच्छे से मूंग की दाल, उसका जो कच्चापन है वो ना रहे। तो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड में चाशनी रेडी कर ली है। चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने 4 कप पानी लिया था एंड 2 कप यहाँ पर चीनी ली है। तो यहाँ पर मैंने चाशनी जो है वो तार वाली रेडी नहीं करी है, मैं इस चाशनी को पतला ही रखूँगी यहाँ पर। देन यहाँ पर इलायची पाउडर था, इलायची पाउडर को मैं चाशनी में ही ऐड करूँगी, ताकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा टाइम तक भी रहे एंड मिक्स भी ज़्यादा अच्छे से हो जाए हलवे में। तो इसी में ये मैंने डाला है। सो दूसरी साइड मेरा ये जो हलवा है वो भी भुन के रेडी होने ही वाला है। अगर भुन के रेडी होने का पता लगाना है तो वो अपने आप ही घी छोड़ने लग जाएगा वो नीचे से। देन आपको पता लग जाएगा कि ये जो दाल है वो अच्छे से भुन चुकी है यहाँ पर। तो मेरी ये जो हलवे की जो दाल है वो रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसने जो है घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है नीचे से। ये चिपक नहीं रही है कढ़ाई में बिल्कुल भी, दैट मीन्स ये अच्छे से भुन चुकी है यहाँ पर। देन ये चाशनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसमें इलायची डाली थी तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो देन यहाँ पर दाल रेडी है यहाँ पर। मैंने ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाया है, आप चाहें तो क्वांटिटी और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर फर्स्ट बार बना रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा ही बना के देखें, तभी ज़्यादा सही बनेगा एंड जब ही आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से बनाते हैं। तो मेरी चाशनी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी होने लग गई है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर इस चाशनी को ऐड करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ही ऐड करूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ये जो मूंग दाल होती है ये थोड़ा सा पानी सोक कर लेती है ये, इसलिए धीरे धीरे का डाल कर ही इसको भूनेंगे। एंड देन एक साथ आपको सारा पानी नहीं डालना है, आपको देखते जाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे कैसे होती जा रही है, उस अकॉर्डिंग ही आपको इसको पानी में और ऐड करना है।
तो मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी ऐड कर लिया है। देन इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े यहाँ पर। एंड मीडियम फ्लेम का ध्यान रखना होगा कि मीडियम फ्लेम पर ही रहेगी, वरना ये जल जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा फिर हमें। सो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी होने स्टार्ट हो गई है। देन इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर पानी जो है थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ और देन इसी पानी में मैं इसको भून लूँगी। देन ये जो खरबूजे के जो बीज होते हैं मैंने उनको नुका के यहाँ पर एंड देन उनको भून के रख रखा था, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल का जो बुरादा था उसको मैंने यहाँ पर भून के रख रखा था, तो मैंने उसको ऐड कर लिया है यहाँ पर। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करा है, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो मेरा मूंग दाल हलवा रेडी है यहाँ। सो मेरे ये जो सिंपल एंड ईजी स्टेप्स है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। एंड ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये स्टेप्स ट्राई करे तो आपको कैसा लगा एंड वो कैसा बना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।